जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आप सबको मालूम है कि न्याय के देवता, कर्म के देवता शनि अपने घर यानी कि एक्वेरियस राशि में गोचर ऑलरेडी कर रहे हैं, मगर पिछले दिनों उनकी जो गति है वो मार्गी से हटकर वक्री हो गई, यानी कि रेट्रोग्रेशन में चली गई है। और ये रेट्रोग्रेड शनि आपको इम्पैक्ट करने वाले हैं 15 नवंबर तक। शनि को क्योंकि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट मानता हूँ, क्योंकि इनका संबंध कर्म के साथ है, न्याय के साथ है, कर्म के फल के साथ है, सो जब भी गति बदलेगी तो गोचर में उसका प्रभाव भी बदलेगा। अब दर्शकों, सबसे पहले तो आप इम्पैक्ट को समझने से पहले रेट्रोग्रेशन यानी कि वक्री होना क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि जो दर्शक काफ़ी समय से हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको तो मालूम है कि रेट्रोग्रेशन क्या होती है, मगर हर वीडियो में कुछ नए दर्शक एडअप हो जाते हैं उनके लिए कि रेट्रोग्रेशन क्या होती है। दर्शकों, क्योंकि आजकल हम इंग्लिश को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंग्लिश का मतलब और जो एक्चुअल में ज्योतिष शास्त्र में वक्री होने का मतलब है, इन दोनों में काफी अंतर है। इंग्लिश के रेट्रोग्रेशन का तो सीधा सीधा मतलब है कि वो उल्टा चलना शुरू हो गया है, यानी कि जो प्लेनेट सीधा अपने एलिप्टिक में गोल घूम रहा था अब वो उल्टा चल रहा है। हालांकि सच्चाई में कोई भी प्लेनेट कभी उल्टा तो चल ही नहीं सकता, मगर ज्योतिष शास्त्र में जब बताया गया है कि प्लेनेट वक्री होते हैं। अब ये रेट्रोग्रेशन यानी वक्रता क्या है? दर्शकों, आप सब ने बचपन में दो रेखाएं पढ़ी होंगी, सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा का मतलब होता है जो रेखा बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में गति करती है, वो है सरल रेखा। और वक्री कौन सी होती है? जिसमें कर्वी पात हो जाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये वक्रता का सिद्धांत। अब जब भी कोई ग्रह वक्री होगा तो दैट मीन्स अब उसका जो मार्ग है वो सीधा होने के बजाय अब वो कर्वी हो गया। कर्वी में कभी वो ऊपर जा सकता है, कभी वो नीचे आ सकता है। जब वो ऊपर जाएगा तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि उसका जो डिस्टेंस है हमारी धरती से थोड़ा सा बढ़ा, और जब वो नीचे को आया तो वो डिस्टेंस थोड़ा सा कम हुआ। अब रेट्रोग्रेशन में अब ये जो सिद्धांत है ये दर्शकों बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि कोई भी प्लेनेट जब आपके पास आ जाएगा तो उसका प्रभाव बढ़ गया, जब आपसे दूर चला गया तो उसका प्रभाव कम हो गया। एक तो बात हुई ये, दूसरी बात, जब भी कोई भी प्लेनेट, या प्लेनेट को समझना है तो आप अपने जीवन से उस चीज को समझ सकते हैं। अब जीवन में आपका शरीर है, आपके शरीर को अगर किसी वक्री पाथ के ऊपर से गुजारा जाए, यानी कि कर्वी पाथ के ऊपर से गुजारा जाए, या आप ऐसे समझ सकते हो कि आप बहुत तेज स्पीड पर किसी मल्टीपल हम्प्स के ऊपर से गुजर रहे हो, तो क्या होगा? दर्शकों, आपकी चेतना आपकी नाभि पर आ जाएगी, यानी उस समय मैक्सिमम फोकस आपकी इनर चीजों के ऊपर आ जाएगा। और रेट्रोग्रेशन में भी यही होगा। अब जो चीजें पिछले समय में, यानी के शनि देवता जो प्रभाव आपके ऊपर छोड़ना चाहते थे, आपके ऊपर प्रभाव आया, मगर आपने अपने स्वभाववश, अपनी परिस्थितिवश उस प्रभाव को पूरे तरीके से अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, या उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मगर आपके जहन में तो वो चीज रही, आपके दिमाग के अंदर उसका एक इम्प्रिंट रहा कि मुझे ये करना चाहिए था, मैंने किया नहीं। अब जब प्लेनेट वक्री हुआ, वो कर्वी पाथ से आप गुजरे, तो आपको तुरंत याद आ गया कि भाई ये चीज थी, मुझे ये कर लेना चाहिए था। अब ये क्या होता है? ये दर्शकों वही चीज है, मृत्यु के समय इंसान को अपनी सब वो पुरानी स्मृतियां याद आ जाती हैं कि ये हमारे काम रह गए, ये करने चाहिए थे। तो इसी तरीके से जो जो काम आपके छूटे हुए होते हैं, जो शनि की
आने से या शनि के प्रभाव से आपके अंदर वो जो बीज पैदा हुआ था, जिसको आपने अपने मन से लेने से इनकार कर दिया था या उसको प्रॉपर सींचा नहीं था, अब आपको दोबारा से मौका मिल गया इस रेट्रोग्रेशन में। यानी 15 नवंबर तक दर्शकों आपके पास वो समय है कि शनि जैसे ही कुंभ राशि में आए हैं, जो आप करना चाहते थे कुंभ राशि के साथ या उसके प्रभाव के साथ, जो जो चीज़ें आप कर नहीं पाए, अब आपके पास 15 नवंबर तक पूरा मौका है कि आप वो कर पाओगे। अब दर्शकों, शनि का संबंध नेचुरल आपके 10th हाउस के साथ है। अब 10th हाउस किसी का भी कर्म का घर होता है, मगर शनि का संबंध कर्म के फल के भी साथ है, और कर्म का फल हम देखते हैं कुंभ राशि में, यानी के एक्वेरियस में। और 10th से अगर हम 11th का रिलेशन खोजेंगे तो ये उसके गेन का रिलेशन निकलता है, यानी के कर्म के थ्रू जो बाई प्रोडक्ट बना, जो फल बना कर्म का, वो आपको कुंभ में जाकर मिलता है। इसीलिए कुंभ में हम खजाना भी कह देते हैं कि कुंभ में एक घड़ा है, घड़े के अंदर हम कहते हैं नेक्टर यानी अमृत पड़ा है। तो कर्म के फल के बाई प्रोडक्ट के रूप में जो अमृत, जो नेक्टर बना, वो आपको मिलता कहाँ है? वो मिलता है जाके कुंभ में। अब शनि का काम है न्यायपूर्ण व्यवस्था से कर्म करवाना। शनि ऐसे ही कर्म नहीं करवाना चाहता। शनि चाहता है कि कोई भी इंसान जो शनि को समर्पित होगा वो कर्म कैसे करेगा? वो कर्म करेगा पूरी न्यायपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आकर, यानी कि हर तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके। कोई भी चीज धर्म से अलग ना हो, अधर्मी के परव्यू में जाकर कोई भी कर्म ना हो। सो दर्शकों, जो भी चीजें किसी भी परिस्थितिवश जैसे ही शनि एक्वेरियस में आया, आपके ऊपर प्रभाव आया, आप करना चाहते थे मगर कर नहीं पाए, वो चाहे कारण जो मर्जी हो जाए, अब आपके पास मौका है उस अपनी गलती को सुधारने का, उस कर्म को करने का, और उस कर्म के फल के प्रतिरूप वो अमृत को लेने का। सो दर्शकों, ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो परिस्थितिवश आप उस अमृत की दिशा में गति नहीं कर पाए थे, सो यहां पर आप वो अमृत को लेने को गति कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं और उस अमृत का पान भी कर सकते हैं। सो दर्शकों, बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। अब रेट्रोग्रेशन में, अब पिछले टाइम से जैसे ही शनि का गोचर ये आया है, आप देखो दर्शकों, पूरी दुनिया में बहुत सी चीजें हुई हैं। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया में जैसे ही शनि का गोचर कुंभ राशि में आया, मोर और लेस आप देखोगे ऑलमोस्ट हर कंट्री में इलेक्शंस हुए, क्योंकि शनि का नेचुरल संबंध 10th हाउस के साथ है, और 10th हाउस को हम सरकार के साथ, राजा के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लेते हैं। सो शनि में वैसे भी नेचुरल वे से ये इलेक्शंस आए। मोर देन 50 कंट्रीज इलेक्शन के प्रोसेस से पहले भी गुजर चुकी हैं। जैसे हमारे देश का इलेक्शन था, वो हो चुका, बहुत से देशों के इलेक्शन आगे आने वाले हैं। अब दर्शकों, यहां पर आप देखोगे कि वो न्यायपूर्ण व्यवस्था इन इलेक्शंस में आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही ये शनि की रेट्रोग्रेशन आई, इंग्लैंड का इलेक्शन आप देख लीजिए क्या हुआ। इंग्लैंड के बाद आप दूसरी कंट्रीज, यूरोपियन कई कंट्रीज में, फ्रांस में इलेक्शन हो रहा है, अच्छा ईरान में इलेक्शन है। आप देखो कि टोटल गवर्नमेंट्स बदल रही हैं। अब ये क्योंकि शनि का गोचर है, क्योंकि शनि का संबंध एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सरकार बनाने के साथ होता है, सो ये इम्पैक्ट आपको दिखेगा। और सबसे बड़ा इलेक्शन दर्शकों, अमेरिका का इलेक्शन भी इसी समय में आएगा। अगर हम अपने देश की बात भी करें, आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हो सकता है इसी 15 नवंबर से पहले पहले आ जाए। कुछ स्टेट्स के इलेक्शन, कुछ बाई इलेक्शंस, ये इलेक्शंस आएंगे। एक तो होगी दर्शकों ये बात, दूसरी बात
शनि के थ्रू वो जो न्यायपूर्ण व्यवस्था की कुछ चीजें पीछे छूट गई थी। सो हम समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या उस न्यायपूर्ण व्यवस्था के थ्रू आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैसले देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है नीट के बारे में कोई फैसला आ जाए, हो सकता है इलेक्शन के संबंधित कोई फैसला आ जाए, या कोई और पॉलिसी मैटर के ऊपर कोई फैसला आ जाए। सो यहां पर उस तरह की पॉसिबिलिटी भी है। और जो जो इलेक्शंस दर्शकों इस वक्री शनि के बीच में होंगे, जो चीजें हम करना चाहते थे कर नहीं पाए, या अधूरी रह गई या पूरी नहीं हुई, तो उसको पूरा करने का यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब दर्शकों इसके कुछ और प्रभाव भी हो सकते हैं। कुछ और प्रभाव जैसे, क्योंकि कुंभ का अगर मीनिंग की अगर हम बात करें, कुंभ का मतलब होता है एक घड़ा, घड़े के अंदर अमृत। मगर कुंभ में नेचुरल कोलॉड राहु आ जाता है। सो यहां पर आप समझ सकते हो कि राहु यानी के कोई भी इंसान फ्यूचर के लिए नए काम स्टार्ट करने के लिए, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए जो चीजें वो पीछे करना चाहता था नहीं कर पाया, अब वो कर सकता है। सो दर्शकों ये 15 नवंबर तक का जो पीरियड आपके लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फायदा लीजिए। अब शनि का नेचुरल संबंध होता है अकेलेपन के साथ और साधना के साथ। अब दर्शकों यहां पर मैं आपको ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा बाहरी दुनिया की गति को छोड़कर अपने अंदर की दुनिया की गति थोड़ा सा लें, अपने साथ समय बिताने का प्रयास करें, अपने को जानने का समझने का प्रयास करें, थोड़ी साधना करें, और फिर देखें कि पीछे कौन सी चीज आपसे छूटी थी और उसको करने का प्रयास करें। यहां पर दर्शकों मैं आपको कैटेगोरिकली एक बात बोलता हूं, अगर आपने मेरे कहे अनुसार ये रास्ता पकड़ लिया, आप देखोगे कि इस पीरियड में आप कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाओगे जो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट, क्यों? क्योंकि दर्शकों इसके पीछे कारण है, ये जो शनि राहु का कॉम्बिनेशन है आप देखो। और वैसे भी राहु महाराज इस समय कहां है? मीन राशि में तो है। सो यहां पर जो भी होगा राहु की डायरेक्शन में किया गया, तो राहु गेन के घर में बैठा है। So, उससे आपको बेनिफिट तो होगा होगा, मगर यहां पर जो स्पेकुलेशंस वाले लोग हैं, जो माया के प्रभाव में रहने वाले लोग हैं, पैसा, माया, पॉलिटिक्स, राजनीति, पावर, ये जितने सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम माया के साथ एसोसिएट कर सकते हैं दर्शकों, अब यहां पर उनके लिए एक बहुत स्ट्रांग वार्निंग भी है। और वो वार्निंग क्या है? राहु पाइसिस में है और शनि वक्री होके एक्वेरियस में है। सो उन्होंने जो कर्मों के द्वारा माया के प्रभाव को जनरेट करने का प्रयास किया था, ऐसे लोगों ने चाहे लोगों के साथ चीटिंग्स करी, चाहे लोगों को भ्रमित किया, भ्रमित करके उन्होंने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए काम किया, तो दर्शकों यहां पर उनके लिए वार्निंग है कि उनके अगेंस्ट आपको फैसले होते हुए दिखेंगे। अब दर्शकों यहां पर मैं एक बात को ऐड करना चाहता हूं, और वो क्या है? सोशल मीडिया। दर्शकों पिछले कुछ टाइम से आप देखोगे कि सोशल मीडिया का प्रभाव जनमानस पर बहुत ज्यादा हो गया। सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो पॉजिटिव दशा में काम कर रहे हैं, अगर आप ओशो की बात करेंगे, आजकल आचार्य प्रशांत की बात करेंगे, ऐसे अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे। मगर इसी के साथ जो आजकल का सोशल मीडिया है, गालियों से लेकर वो माया का रूप दिखाने की कोशिश हो रही है दर्शकों, सिर्फ उसके पीछे मोटिव एक है, अपने अंदर की छुपी हुई उन दबी हुई गंदी भावनाओं को उभारने का। यानी कि जो पशुता इंसान के अंदर है वो इस समय आपको सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा। चाहे आप सीरियल्स की बात कर लो, चाहे जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, या जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह दिया जाता है, आप देखिए गालियों से लेकर वो किस तरह के मनोभाव दूसरों के ऊपर
डालने की कोशिश करते हैं। अब दर्शकों, यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्नल है कि ऐसे लोगों को अब जनमानस पहचानेगा, इनको नेगेट करेगा, समाज से निकालने की कोशिश करेगा। और आप देखोगे बहुत से लोग अब सही प्रभाव में आते हुए दिखेंगे। आप वैसे भी देख रहे हो दर्शकों, फेसबुक बहुत डाउन जा चुका है। अभी यूट्यूब चल रहा है, ये मीडियम यूट्यूब के साथ जो दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है, बाकी चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम है, इस तरह के ये अभी चल रहे हैं। मगर यहाँ पर वो जो गंदगी, वो जो नेगेटिविटी परोसी जा रही है दर्शकों, और इसके साथ ही झूठा पाखंड का जो खेल हो रहा है, धर्म को, एक्चुअल धर्म की बात बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि धर्म का संबंध अल्टीमेटली अध्यात्म के साथ होता है। मगर आजकल धर्म का मतलब हो गया दिखाना। आजकल ये मुहावरा या ये सेइंग बिल्कुल है कि आप तब तक एग्जिस्ट ही नहीं करते जब तक आप दिखते नहीं हो, यानी कि व्यूअरशिप, दिखाना, क्योंकि राहु का मोटिव ही दर्शकों ऐसा होता है। सो वो यूट्यूबर्स सब कुछ परोसेंगे, जितना घटिया से घटिया, गंदे से गंदा मटेरियल हो सकता है वो आपको परोसेंगे ताकि उनको व्यूअरशिप मिले। और दूसरे लोग जो उनको देखते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर पशु तो विद्यमान होता ही है, मगर क्योंकि हमें इंसानी शरीर मिला है और हमारे लिए ये है कि हमें अपने आप को डिवेलप करना है, मगर पशुता तो अंदर है ना। तो जैसे ही वो गंदी चीज़ें, वो नेगेटिव चीज़ें सामने आती हैं तो लोगों की पशुता भी तो ऊपर आ रही है ना। आप देखोगे सड़कों पर न्याय होता हुआ दिख रहा है। पहले मास लिंचिंग्स, मॉब लिंचिंग्स, ये वर्ड होते ही नहीं थे दर्शकों, क्योंकि हम इस एज तक आते आते बहुत सी दुनिया देख चुके हैं, हमने ये बातें कभी देखी नहीं थी। मगर अब ये क्या है, वो पशुता, वो क्रूरता कुछ धर्म के साथ एसोसिएट हो जाती है, कोई फिलॉसफी के साथ एसोसिएट हो जाती है, किसी और चीज के साथ एसोसिएट कर, मगर वो पशुता का प्रचार जितना सोशल मीडिया पे दर्शकों हुआ है पिछले कुछ समय से, आप देखोगे शनि के वक्री होने के साथ ये चीज डाउन जाएगी। क्यों डाउन जाएगी दर्शकों, इसके पीछे कारण है। आप देखोगे बहुत से देश, बहुत से देशों की सरकारें कानून या बना चुकी हैं, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, इस पीरियड में वो इंप्लीमेंट करेंगी, और कुछ सरकारें नए कानून बनाएंगी ताकि ये जो पशुता का नंगा नाच और ये प्रसार और प्रचार हो रहा है इसके ऊपर कंट्रोल आए, लोग दोबारा से वो जो पाखंड का रास्ता छोड़कर धर्म और अध्यात्म का रास्ता पकड़े, सही रास्ते पर चले। अब दर्शकों इसी के साथ जो दूसरा गोचर इंपॉर्टेंट होने जा रहा है दर्शकों, इसी वजह से मैंने ये दोनों गोचर मिला के आपको समझाने की ये वीडियो बनाने का प्रयास किया। दूसरा गोचर है दर्शकों मंगल। अब मंगल देवता आपके शरीर के सामर्थ्य के सिंबल है, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, आपकी मोटिवेशन है, आपकी पावर है, आपकी ताकत है, वो मंगल देवता है। अब मंगल देवता, हम कहते हैं मंगल जहां भी जाएगा वो मंगल कर देगा। हालांकि आजकल आप देखो वो ही नेगेटिविटी का प्रचार, मंगल को मांगलिक बनाकर, शत्रु बनाकर पेश किया जाता है। मगर दर्शकों ये ही मंगल देवता, जिसको मैं कहता हूं मंगल देवता को समझना है तो आप दो रूपों से उसको समझ सकते हो, एक तो जननायक, सेनानायक, आप समझ सकते हो सेनापति की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरा बजरंग बली का जो दूसरा स्वरूप है वो है सेवक का स्वरूप, बजरंग बली हनुमान। पावर की बात करोगे तो पावर तो उनकी हो सकता है भगवान राम जी से भी ज्यादा हो सकती थी, क्यों, क्योंकि हनुमान जी तो भगवान शिव के अंश हैं और भगवान राम वो विष्णु जी के हैं। सो अगर हम कैलिब्रेशन करेंगे तो कैलिब्रेशन में हम भगवान शिव को ऊपर मानते हैं पावर में, मतलब अध्यात्म में अगर हम ये इस तरह के पैरामीटर्स में बात करेंगे तो हम भगवान शिव को हाईएस्ट मानते हैं। सो पावर की अगर बात होगी तो भगवान शिव द्वारा दी हुई, क्योंकि वो शिव के अंश हैं, तो हनुमान जी के पास मैक्सिमम थी। मगर
हनुमान जी सबसे बढ़िया कब अपना एक्सप्रेशन देते हैं? वो तब देते हैं जब वो भगवान राम के सेवक बन के सामने आते हैं। भगवान राम को आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि ये हमारी चेतना की बात हो रही है। भगवान विष्णु का मतलब है हमारा जीवन, हमारी चेतना। सो चेतना के सेवक के रूप में भगवान शिव के अंश हनुमान जी। सो ये मंगल है, और इस तरह का मंगल आप दर्शकों कहां गोचर हो रहा है? वो गोचर हो रहा है आपके घर में, आपके परिवार में, वृषभ राशि में, दो नंबर की राशि। और वहां पर मजे वाली बात, जुपिटर पॉजिटिविटी के देवता, ज्ञान के देवता, दो गुरुओं में से एक गुरु वहां पर ऑलरेडी विद्यमान है। सो ये जो कॉम्बिनेशन है दर्शकों, ये मंगल और ज्ञान की, यानी कि जो ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान, अब दर्शकों यहां पर वही बात दोबारा से फिर आएगी, जो लोग धर्म के साथ अध्यात्म के साथ पाखंड को जोड़कर दिखाने की कोशिश करते हैं, आप देखोगे उनके लिए डाउन पीरियड आ रहा है आगे। जो वो स्टेटमेंट मैंने पीछे बताई थी कि आप एग्जिस्ट ही तब करते हो जब आप दिखते हो। अगर आप ज्योतिषी हो तो आपको 10-20 मालाएं पहनी होनी जरूरी है, आपके हर उंगली में अंगूठियां पहनी जरूरी होनी चाहिए। लोग इस तरह से सोच रहे हैं। अगर आप धार्मिक गुरु हो तो वो धार्मिक गुरु जैसा ही आपके कपड़े, आपका वेश होना चाहिए। मगर दर्शकों, क्या कपड़े डालने से, क्या मालाएं डालने से आपका ज्ञान वैसा हो जाएगा? अगर आपके पास अंदरूनी ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, अगर आप परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हो तो आप कुछ भी ना पहनो, क्योंकि परमात्मा ने ये जो शरीर दिया है, हम नग्न आए थे, नग्न ही जाएंगे। बाहर जितने मर्जी आडंबर अपने शरीर के ऊपर हम पहन ले, उससे दर्शकों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आपके घर के अंदर मंगल और गुरु का ये जो कॉम्बिनेशन है दो नंबर की राशि में, वृषभ राशि में, दर्शकों ये सही दिशा में आप सबके मन को, आप सबके दिमाग को प्रभावित करने वाला है। आप अच्छे थॉट प्रोसेस के पीछे जाएंगे, और हम तो इस बात को मानते हैं कि जो थॉट प्रोसेस हम घर से लेकर चलते हैं दर्शकों, वही थॉट प्रोसेस हमारे कर्म के ऊपर जाता है। और मजे वाली बात देखिए दर्शकों, ये जो कॉम्बिनेशन आज की वीडियो में मैं आपको क्यों कहा कि दो गोचर मैं आपको समझाऊंगा। अब ये दो नंबर की राशि है और शनि देवता कहां बैठे हैं? 11 नंबर की राशि में। अब ये 2 से 11 का, अब आप सीधा सीधा समझ सकते हो ये कर्म स्थान होगा आपका। सो घर के अंदर से वो जो आध्यात्मिक थॉट प्रोसेस, साथ में हनुमान जी का बल, उस तरीके से आप आध्यात्मिक थॉट प्रोसेस लेकर जब कर्म करोगे तो दर्शकों फल कैसा होगा ये आप खुद ही निश्चित कर सकते हो। सो इसको चाहे आप अपने कर्मों के ऊपर अप्लाई कर लो, आप समाज के ऊपर अप्लाई कर लो, आप पॉलिटिशियंस सरकारों के ऊपर अप्लाई कर लो, दर्शकों प्रभाव वो ही रहना है। सरकारें बदलती हुई आप देखोगे, ऑलमोस्ट देशों में आपको मिलेगा कि सरकारें बदल गई। थॉट प्रोसेस, यहां पर वर्ड फ्लेक्सिबल या लिबरल नहीं मैं यूज करूंगा, मैं ये यूज करूंगा सही दिशा में दर्शकों ये परिवर्तन होता हुआ दिखेगा आपको। अब इसी के साथ, क्योंकि मंगल का संबंध धरती की, समाज मतलब जो बाहर हमारे एटमॉस्फेयर है उसकी गर्मी के साथ भी है। गर्मी दर्शकों इस बार आपको मालूम है भयंकर गर्मी आई, हम उसको ग्लोबल वार्मिंग के साथ एसोसिएट करके, वो जो इतना बड़ा साइकिल दर्शकों क्रिएट हो गया है ये ग्लोबल वार्मिंग का, इस बार आप देखोगे बहुत ज्यादा बारिश दिखाई देने वाली है आपको। क्यों? उसका कारण है दर्शकों, क्योंकि जैसे ही मंगल की ये गति वृषभ राशि में होनी है, अब इसके बाद दर्शकों क्या होना है, अब मंगल 45 दिन तक वृषभ राशि में रहने वाले हैं, लॉट ऑफ फ्लड्स बढ़ेंगे, और फ्लड्स के साथ जब जुपिटर साथ में है, अब हम सही दिशा में सोचने लगेंगे, सरकारें भी सोचने लगेंगी, हम लोगों के दिमाग में भी वो सही सोच आएगी कि भाई
हमने गलत तरीके से घर बनाने शुरू कर दिए, हमने अपने पेड़ों को उखाड़ दिया, हमने धरती का पानी निकाल लिया, हमने अपने अमृत तुल्य पानी को सड़कों पे गाड़ियां धो धो कर, चीज़ें धो धो कर उसको सीवर में डाल दिया। आप देखिए कितना बड़ा मानवता के दुश्मन हम लोग खुद हैं। और ये काम पशुओं ने नहीं किया, ये दर्शकों इंसानों ने, ह्यूमंस ने किया है। सो अब वो जो पशुता का खेल था दर्शकों, जैसे ही मंगल जुपिटर की ये जो कॉम्बिनेशन है, गुरु मंगल ज्योति है दर्शकों, ये अब आप समझ सकते हो कि स्ट्रेंथ भी होगी, फोर्स भी होगी, नई सरकारें आएंगी, आप देखोगे अच्छी मेजोरिटी के साथ आई। ब्रिटेन में 400 पार हुआ, स्ट्रांग सरकार। ईरान में आप देखोगे, फ्रांस में आप देखोगे, अमेरिका में आप देखो कि थॉट प्रोसेस किस तरह बदलने वाला है पूरी दुनिया का। तब आपको समझ में आएगा कि ज्योतिष शास्त्र में जब ग्रहों का गोचर आता है तो जनमानस के ऊपर किस तरह के प्रभाव आते हैं। आप इसको एक्सपेरिमेंट करिए ना, चीजों को जैसे कोई हैपनिंग होती है आप उसको ग्रहों के गोचर के साथ जोड़ के तो देखिए, फिर आपको समझ में आना शुरू होगा कि यह ग्रहों का गोचर क्या खेल खेल रहा है। अब दर्शकों हर राशि के साथ आपको इसको कैसे देखना है, दर्शकों ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, थोड़े से मैं आपको टिप्स दे देता हूं क्योंकि वीडियो अदरवाइज बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि अगर मैं एक एक राशि पर उसका प्रभाव बताने की कोशिश करूंगा तो वीडियो 1-1.5 घंटे की आराम से बन जाएगी। अब इसके मैं आपको टिप्स समझा देता हूं कि हमें कैसे देखना होता है। दर्शकों अगर हम जहां पर गोचर आ रहा है, आपकी राशि में डेफिनेट बात है प्लेनेट कहीं भी पड़ा होगा, किसी राशि में पड़ा होगा, आप अपने प्लेनेट की राशि को नोट कर लीजिए। अब जैसे मंगल का गोचर हो रहा है वृषभ राशि में और आपका मंगल पड़ा है मिथुन राशि में, जैमिनाई में, अब मिथुन राशि उस गोचर के लिए गेन का सब्जेक्ट हो गई, प्रॉफिट, बढ़त, गेन है, बढ़ेगा, इसको इस तरह देखना है। अगर आपके प्लेनेट, मतलब जो आपका प्लेनेट है, अगर मंगल के गोचर से तीसरे भाव में है तो आप कह सकते हो ये प्रयत्न के भाव में, एफर्ट्स के भाव में। चौथा भाव दर्शकों किसका होता है, सुख स्थान होता है। अगर आपके चार्ट में प्लेनेट चौथे भाव में है गोचर से तो आपको उस गोचर से सुख मिल सकता है। अब ये सुख का जो भाव होता है इसकी स्पेसिफिकेशंस माता भूमि वाहन, आप मोटे मोटे इन पे ले लीजिए, बाकी फाइनल चीजें जब हम लोगों से आप बात करोगे तो बहुत सी इंटरनल चीजें, इवन स्पिरिचुअल एंगल्स, वो चीजें दर्शकों वो पूरी डिटेल कंसल्टेशंस में ही आ सकती होती हैं, मगर जो ओवरव्यू हम वीडियोस में देते हैं ताकि आप किसी भी गोचर को गलत तरीके से ना देखो। अब दर्शकों ये तरीका होता है हमें अपने असेंडेंट से देखने का, यानी असेंडेंट का मतलब क्या है, जब भी कोई गोचर आया आपके चार्ट में जहां पर प्लेनेट है आप उसे अपना लग्न मान सकते हैं, आपके चार्ट का वो लग्न बन गया और गोचर जहां पर है उसके साथ उसका प्रभाव आप जान सकते हैं। मगर एक और दूसरा तरीका है दर्शकों, वो है चंद्र राशि से देखने का। अब चंद्रमा की राशि से जब आप देखोगे इन्हीं रिलेशंस को, फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस, जब आप चंद्र राशि से देखोगे तो उसके प्रभाव को आपको कैसे देखना है, उसके प्रभाव को आपको देखना है आपके इंटरनल चेंजेस से, यानी कि आपके इमोशंस, आपकी इनर नेचर, उसके ऊपर क्या प्रभाव होगा आप उस गोचर से समझ सकते हो। शारीरिक प्रभाव यानी जो बाहरी दुनिया के प्रभाव होते हैं जिसको हम फिजिकल चेंजेस कह सकते हैं, फिजिकल चेंजेस दर्शकों आपको लग्न से देखने हैं, मेंटल चेंजेस आपको देखने हैं आपकी चंद्रमा की राशि से, यानी के चंद्र राशि से या चंद्र कुंडली से। अब दर्शकों इंपॉर्टेंट चीजें इसमें क्या होती हैं, जैसा मैंने कहा सुख स्थान में वो गोचर आ जाए बहुत बढ़िया हो गया, या अब प्रॉब्लम्स भी समझ लीजिए, अकेला सुख नहीं कि आप अच्छी अच्छी चीजें ही सिर्फ देखो, मगर गोचर से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स भी तो आती हैं। अब किसी के गोचर छठे भाव में आ गया, किसी के गोचर अष्टम में आ गया, किसी के गोचर द्वादश में आ गया, तो दर्शकों ये आपके डिफिकल्टी के हाउसेस हैं। सो अगर गोचर आपके चार्ट में इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है
तो आपको पर्टिकुलर, अब छठा भाव है तो छठे भाव में एनिमिटी के संबंध में, रोग ऋण शत्रु के संबंध में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अष्टम भाव किसका है दर्शकों? यहाँ पर एंसेस्ट्री है, आपके रिलेशंस की परिणति है, यानी हस्बैंड वाइफ का जो हम कहते हैं ना कि डाइवोर्स, डाइवोर्स अष्टम से देखना है। एंसेस्ट्री की बात यहाँ पर आ जाती है। और सबसे बड़ी बात दर्शकों, अष्टम साधना का है। अष्टम में हम बड़ी डिजीजेस देखते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस देखते हैं। सो आप उन चीजों के साथ उस रिलेशन को मिला के समझ सकते हो, देख सकते हो। द्वादश होता है दर्शकों, ये हम इसको मृत्यु भाव कह सकते हैं, डेथ। और डेथ के साथ सारी चीजें नेचुरल वे से छूट जाती हैं। हम कहते हैं कि बेस्ट है कि नेचुरल वे से छूटे, उससे पहले आप क्यों ना चैरिटी कर। अब दर्शकों इसके पीछे वो थॉट प्रोसेस, वो दर्शन वो ही है, फिलॉसफी वो ही है। पुराने टाइम में हम क्या कहते थे, जीवन जी लिया, जैसे ही संन्यास आश्रम आता था तो संन्यास में लोग क्या करते थे, लोग घर बार छोड़ के काशी चले जाते थे। यानी कि जो कुछ भी उन्होंने अपने एक जीवन में, भरे पूरे जीवन में अर्जित किया, इकट्ठा किया, एक्वायर किया, वो सब दान करके आ जाते थे अपने घर के जो उनके पारिवारिक सदस्य थे या जिसको भी वो चाहते थे, उसको वो चैरिटी करके आ जाते थे। दर्शकों वो थॉट प्रोसेस है, वो दर्शन है, फिलॉसफी है कि वैसे भी तो एंड पे सबको छूटना ही है, कौन सा आप साथ में लेकर चले जाओगे। जब छूटना ही है तो अपने हिसाब से आप उसकी चैरिटी कर जाओ, ये द्वादश भाव है। सो द्वादश भाव में नेगेटिविटी एसोसिएट मत करो, इसको अच्छे तरीके से, मैं तो इसको कहता होता हूँ भाद्रपद और रेवती, आप इसको इस एंगल से देखो, उन नक्षत्रों की वो बढ़िया चीजें लेकर आप उस तरीके से उसकी चैरिटी कर जाओ। ये थे तीन डिफिकल्टी के हाउसेस। अब किसी के वो गोचर आएगा दशम भाव में, दर्शकों जिसके भी दशम भाव में आ जाए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि अब उसको कर्म के साथ उस गोचर के फ्लेवर को एसोसिएट कर लेना है, कि उसका कर्म जिस दिशा में जा रहा है बस उसके साथ उस गोचर के फ्लेवर को एसोसिएट कर दो आप। अब आप देखोगे वो खाना जो ब्लेंड था बिल्कुल बिना नमक मिर्च के था, जैसे ही वो फ्लेवर बीच में एडअप हुआ, अब वो खाना टेस्टी हो गया। यानी आपका कर्म सही डायरेक्शन में चल पड़ा, और जब सही डायरेक्शन में चल पड़ा तो क्या होगा, उसका फल अच्छा होगा। अब आप कहोगे कि दर्शकों अब ये सही डायरेक्शन तो है नहीं, ये तो वक्री है गति। मगर दर्शकों वक्री में ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है पिछले कुछ टाइम में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार किया हो, किसी कारणवश आप ना खरीद पाए हो, आपने कोई जॉब चेंज करने का सोचा हो, अपॉर्चुनिटी आई भी हो, आपने सर्कमस्टांसिस की वजह से, परिस्थितियों की वजह से उसको उस समय एक्सेप्ट ना किया हो, अब आपके पास मौका होगा 15 नवंबर तक का। दर्शकों इंपॉर्टेंट टाइम जोन है, लंबा भी है। सो वो जो अपॉर्चुनिटीज आप किसी भी कारणवश उस समय नहीं ले पाए थे, अब आप वो क्वांटम जंप ले सकते हो। और दर्शकों ये जो क्वांटम जंप है, ये वही क्वांटम लीप है जो आपको एक्वेरियस के उस घड़े के अंदर के अमृत तक पहुंचने का रास्ता दे देगी, आपको जीवन, आपके जीवन को अमृतमय बना देगी, इमॉर्टल बना देगी। दर्शकों मृत्यु शरीर को आएगी, मगर आपकी इच्छाओं की मृत्यु। अब दर्शकों ये वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, जब किसी को अमृत मिल जाता है तो हम कहते हैं ना अब वो क्या हो गया, इमॉर्टल हो गया, अमर्त्य हो गया, अब उसको मृत्यु नहीं आएगी। मगर मृत्यु तो आएगी, किसको आएगी, शरीर को तो आएगी, मगर वो इच्छा जो किसी के भी मन में थी, वो इच्छा अब परमानेंटली सेटल्ड, खत्म, पूरी। आपकी इच्छा का पेट भर गया, और पेट भर गया तो आपको अब अमृत तुल्य आपके शरीर के अंदर से वो एंजाइम के बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको वो हॉर्मोन्स मिलेंगे जो आपके शरीर के अंदर उस अमृत का संचार कर देंगे, और आप उस आनंद के प्रव्यू में चले जाओगे जो किसी के भी खाने के थ्रू। हम कहते हैं ना खाना, खाना एक होता है जिसको हम फिजिकल खाना मुंह से खा रहे हैं,
मगर दक्ष को अकेला यही खाना नहीं है, खाना हर तरह से खाया जाता है। हम सूंघ भी, वो भी खाना है। हम जो आंखों से देख रहे हैं वो भी खाना है। जो हम विचार ले रहे हैं वो भी खाना है। हम किसी को स्पर्श कर रहे हैं वो भी खाना है। न्यूट्रिशन है ना, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसेस हैं हमारे जो बॉडी के ऊपर प्रभाव आ रहे हैं, ये हमारी न्यूट्रिशन है। हर तरह की न्यूट्रिशन आपके शरीर के अंदर वो अमृत तुल्य हार्मोन पैदा कर दे और आपके शरीर के अंदर वो आनंद जो DMT से आ सकता है, आप क्लियर बात अब समझिए, जो DMT से आ सकता है उस तरह के आनंद की। अब ये जो गोचर है ना दर्शकों, यहाँ पर वो रेट्रोग्रेशन शनि की और गुरु मंगल युति दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगले 45 दिन मंगल के गोचर के और 15 नवंबर तक शनि का गोचर दर्शकों आपके जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव लेकर आ रहा है। सो तैयारी करिए, खुश रहिए, और सबसे बड़ी बात क्या है, जो कर्म आपसे छूट गए थे, आप नहीं कर पाए थे, अब आपके पास मौका है उस कर्म को करने का और उस कर्म के बाई प्रोडक्ट के रूप में अमृत को प्राप्त करने का। सो दर्शकों ये था मेरा प्रयास जिसमें मैंने आपको ये दोनों गोचर समझाने की कोशिश करी। आशा करता हूँ बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। बाकी दर्शकों जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूँ वो इस वीडियो में भी करूँगा कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इस ज्ञान की गंगा को घर घर तक पहुँचाइए। और जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं उनके लिए मेरा दर्शकों एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9888164480, उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो इसी तरह की अच्छी ज्ञानवर्धक नेक्स्ट वीडियो आने तक दर्शकों बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।